आज हम चर्चा करेंगे एसएससी एमटीएस के बारे में, यानी कि एसएससी जो है एमटीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और इसमें नॉन टेक्निकल में वैकेंसी निकली हुई है। तो एमटीएस की फुल फॉर्म है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें मैं आपको महत्वपूर्ण डेट्स बताऊंगा और क्या एज होनी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैसे इसको अप्लाई करना है और सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में, इसके सिलेबस के बारे में और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में हम बताएंगे। एसएससी एमटीएस के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 5 फरवरी से लेकर 21 मार्च 2021 तक है और ऑनलाइन फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 23 मार्च 2021 है। ऑफलाइन चालान की है 25 मार्च 2021 और इसका जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा टीयर फर्स्ट, ये 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई 2021 तक है। टीयर सेकंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव होगा, ये 21 नवंबर 2021 को होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सक्षम प्रतियोगिता। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मल्टीटास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएगी, जो कि 7th पे कमीशन के अंतर्गत पे लेवल फर्स्ट में आते हैं और ये एक जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी यानी कि नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है। अब एमटीएस को सिलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अलग अलग मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑफिसेज में भेज दिया जाता है। एज लिमिट 1 जनवरी 2021 को कैंडिडेट की मिनिमम 18 साल एज होनी चाहिए और जो मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी के लिए वो 25 साल और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए 5 साल। SC ST के लिए छूट दी गई है, OBC के लिए 3 साल छूट दी गई है और बाकी कैटेगरीज के लिए भी यहाँ देख सकते हो। तो नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें तभी फॉर्म को फिलअप करें। नेक्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। 1 जनवरी 2021 को कैंडिडेट की मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन क्लियर होना चाहिए या उससे पहले, यानी कि 10th पास होनी चाहिए। हाउ टू अप्लाई, यानी कि SSC MTS के फॉर्म को कैसे ऑनलाइन भरें, तो SSC की वेबसाइट दी हुई है ssc.nic.in। इसमें फोटोग्राफ कितना होना चाहिए, यानी कि JPG फॉर्मेट में 20 KB से 50 KB तक का होना चाहिए और इसमें जो विथ है उसकी 3.5 सेंटीमीटर फ़ोटो की और 4.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। वुमेन और अदर कैंडिडेट्स जैसे SC ST इनके लिए छूट दी गई है। अब आते हैं सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन पर, यानी कि अलग अलग सेंटर के अलग अलग कोड दिए हुए हैं, सिटीज़ के कोड दिए हुए हैं। जैसे सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ ये अलग अलग सिटीज़ के कोड दिए हुए हैं, ऐसे ईस्टर्न रीजन का है, नॉर्थ रीजन, KKR रीजन, ठीक है। तो आप इसमें से कोड फिलअप कर सकते हो। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट पेपर जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, यानी कि कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट होगा। डेस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो ऑफलाइन होगा। पेपर फर्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा ये इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, ये सभी 25-25 क्वेश्चंस होंगे और इनमें ये सभी जो मार्क्स इनके होंगे 25-25 मार्क्स के ही होंगे। इसमें 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। पेपर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें और 0.25 मार्क्स जो है वो रॉन्ग आंसर के, यदि आप रॉन्ग आंसर देते हो तो उसका जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 मार्क्स की है। नेक्स्ट है डेस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा, पेपर सेकंड, उसमें एसे और लेटर पूछे जाएंगे, चाहे तो आप इंग्लिश में दे सकते हो या हिंदी। यदि आपने फॉर्म में हिंदी चूज करी है तो हिंदी में ही दें और यदि इंग्लिश चूज की है तो इंग्लिश में ही आप पेपर सेकंड को दें, ठीक है। और 30 मिनट्स का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, 50 मैक्सिमम 50 मार्क्स का होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा पेपर सेकंड, इसलिए फर्स्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएँ। पेपर फर्स्ट के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यहाँ
आपको सिलेबस दिया हुआ है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जनरल अवेयरनेस के लिए क्या क्या पढ़ना होगा, ये आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, पेपर सेकंड के लिए भी आप यहाँ देख सकते हो।